तो आपके इस वीडियो में इस वीडियो में हम बात करेंगे एन के बारे में एन आज का बहुत बड़ा लूज़र था तो अभी हम लोग बात करेंगे थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे कंपनी के बारे में बेसिक्स को समझने की कोशिश करेंगे उसके बाद हम थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस समझेंगे चार्ज को समझेंगे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म को समझेंगे तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको पता है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता ही है और कोई भी क्वेश्चन क्वारी है तो हमें ज़रूर पता रेगुलर अपडेट पाने के लिए मतलब लि� बेलाइकन जो भी होता है आपको पता है सो so, अगर आप इस स्टॉक का फीडबैक देखना चाहते हैं मेरा फीडबैक देखना चाहते हैं क्योंकि मैं पहली बार इसको देख रहा हूँ कंपनी को सो so, आप एंड में जाके देख सकते हैं कंक्लूजन आपका रहेगा और चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को तो एन डी पी सी जैसे आपको बात पता है नेशनल थर्मल पावर कम कॉरपोरेशन इट्स अ बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंपनी है तो अभी इसके डिटेल्स को अगर हम क्लिक करते हैं तो डिटेल्स क्लिक करने के बाद हमें क्या क्या जानने को मिलता है पहले कंपनी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो मैं थोड़ा सा अपना जो फेस है उसको हटाता हूँ एन टी पी सी अलॉग विद सब्सिडरी इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन जनरेशन एंड सेल ऑफ बल्क पावर टू स्टेट पावर यूटिलिटीज मतलब स्टेट गवर्नमेंट को ये सप्लाई देती है एंड प्राइमरली थर्मल पावर को ये जनरेट करती है कोल के माध्यम से तो ये कंप्लीटली कोल के ऊपर डिपेंडेंट करता है सो एज ऑफ जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी द कंपनी हैज अ पावर पोर्टफोलियो ऑफ सिक्सटी थ्री थाउजेंड मेगावाट मेगावाट फ्राम सेवेंटी पावर प्लांट्स आउट ऑफ टोटल कैपेसिटी एटी थ्री कम्स फ्राम कोल प्लांट्स एंड बाई फॉलोड बाई गैस एंड फ्लूड एंड हाइड्रो एंड तो प्राइमरीली इसका जो होता है 93% थ्री परसेंट जनरेट होता है थर्मल हाइड्रो सो उतना मैटर नहीं करता है इट 17 परसेंट ऑफ टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी इन इंडिया एंड 22% परसेंट शेयर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन इंडिया जस्ट ट्वेंटी परसेंट सो इट्स मतलब फिर वो स्टेट का जो अपना अपना होता है uh, अलग अलग तरीके के जो स्टेट uh, मतलब स्टेट के भी हैं पब्लिक प्राइवेट दोनों आपका इसमें इंक्लूडेड है

बाई डब्ल्यू डी ई वॉट एनर्जी बेसिकली वॉट एनर्जी होगा फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम कॉन्ट्रैक्टेड कैपेसिटी इन क्यूलो वट मल्टीप्लाइड बाई द नंबर ऑफ आवर्स ठीक है सो बेसिकली सिंपल बात यह है कि कितना पर, पर आपका प्रोडक्शन होता है क्योंकि जब भी आप बाइक चलाते हैं तो माइलेज के हिसाब से तो उसी कौन मतलब फैक्टर को आप कंसिडर करो एग्जैक्टली द सेम चीज़ नहीं है बट बेसिकली यहाँ पे होता है कि प्लान जो है वो कितने पावर uh, जनरेट करता है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम अंडर कंस्ट्रक्शन एसेस जो है दो हज़ार बीस में ट्वेंटी थाउजेंड फाइव हंड्रेड पावर प्लान्स अच्छा ट्वेंटी थाउजेंड फाइव हंड्रेड मतलब नीर अबाउट इसका अभी कहते हैं सिक्सटी थ्री थाउजेंड सो नियर अबाउट वन थर्ड कपैसिटी जो है वो बिल्डअप कर रहा है सेवेंटी सिक्स परसेंट ऑफ कपैसिटी आर फ्राम इट्स कोल प्रोजेक्ट्स फॉलोड बाई थर्टीन परसेंट हाइड्रो एंड वंड एनर्जी तो इसको हम विंड एनर्जी सबको छोड़ते हैं अभी यहाँ पे मेन है कि इसने अपना वन थर्ड जो है वो अंडर प्रोसेसर तो मतलब यह कि रेवेन्यू जनरेट होगा और डेट भयानक है इसलिए अभी हम देखेंगे कि डेट कितना ज़्यादा है कंपनी के ऊपर और ये अपना 63 जो पावर मतलब पावर कैपेसिटी 63 से 130 मतलब डबल करना चाहती है 2032 तक और अपना जो है नॉन फॉसिल एसेट्स जो है 7 परसेंट से लेके 30 परसेंट मतलब अभी जैसे देख रहे थे ना 93 थ्री परसेंट फॉसिल फ्यूल के ऊपर या कोल के ऊपर डिपेंडेंट है उसको थर्टी लेके जाना चाहती है दो तक सो so, दस साल के अंदर सो विच इज़ वेरी एम्बिशियस टू बी ऑनस्ट टी एच नॉर्थ ईस्ट इलेक्ट्रिकल पावर कंपनी कॉर्पोरेशन इट रिक्वायर्स 75 परसेंट स्टेट स्टेक ऑफ टी 100 डी परसेंट फ्राम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर गैर गिलोम थाउजेंड फाइव हंड्रेड करोर एंड चलो ठीक है कोल इसका मेनली कहाँ से आता है एंड लॉन्ग टर्म फेल अग्रीमेंट्स अच्छा ठीक है एक मिलियन टन पर एनम इसका चाहिए होता है कोल इंडिया से ये लेता है और लिमिटेड से लेता है कंपनी के पास तीन कोल ब्लॉक है पकड़ी बारवदिर दुलंगा तलाईपली कोल माइन्स और इसका जो है आपका 103 मिलियन अच्छा ये खुद का भी है खुद भी माइनिंग करती है दूसरे से भी माल लेती है तो चलो गवर्नमेंट से गवर्नमेंट से लेती है बहुत अच्छी बात है और इसका जो कोल ब्लॉक है देहा वरण सेवन पॉइंट थ्री बिलियन टनस अमेजिंग मतलब सही है चल जाएगा प्रॉफिटेबिलिटी प्रो, है लॉन्ग टर्म पी पी ए बैक बाई स्कॉल कॉस्ट प्लस टैरिफ स्ट्रक्चर फॉर सेल आ, पावर टू डिस्काउंट्स ठीक है चलो डिस्काउंट्स क्या होता है चलिए जान लेते हैं डिस्काउंट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ठीक है चलिए मैं मैं भी आज कुछ जानने को मिला डिस्काउंट मतलब आप यहाँ पे क्या होता है कि आपके घर में जो बिजली पहुँचाता है वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होती है ये बेसिकली जैसे तेल होता है तेल लेके पेट्रोल पंप में आती है पेट्रोल पंप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसी तरीके से आपका जो है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जैसे आपका कोलकाता में हो गया सी हो जाता है टाटा का है दिल्ली में बहुत अलग रिलायंस भी करता है तो वो क्या करते हैं पावर को परचेज़ करते हैं फिर वो लोकली जो है अपने वेंडर्स को या अपने कस्टमर्स को वो सप्लाई करती है डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उनका जो मेन एसेट होता है वो है खम्बा जो लगाते हैं और वायरिंग जो होती है जो कस्टमर जो उनके अंडर आते हैं सो तो वो उनका एसेट होता है सो ये हो जाता है डिस्कॉम तो अभी चलिए ये तो समझ में आ गया तो अभी हम लोग थोड़ा सा इसका चार्ट जो है वो थोड़ा सा चेक करते हैं चार्ट हम चेक करेंगे इसका यहाँ पर तो अभी हम डेली चार्ट चेक करेंगे डेली चार्ट मतलब 31 मार्च है 31 मार्च मतलब यहाँ पे सबसे इस लो को अगर हम पकड़ते हैं इसको मैं रिमूव कर देता हूँ सो ये आपका जो है Uh, एक दिन का चार्ट है एक महीने का चार्ट भी अगर हम लेते हैं अगर एक महीने का चार्ट बेसिकली ये टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आ जाता है मैं उतना डिटेल्स में नहीं जाऊँगा यहाँ पर एक महीने का एनालिसिस मैं तब करूँगा जब मेरे को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना पड़ेगा एक महीने का मतलब एक महीने का लॉन्ग टर्म अगर एक हफ्ते का मेरे को देखना है पाँच दिन का अगर वीकली मेरे को देखना है तो दिस इज़ लाइक मिड टर्म एंड मेरे को अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग करना है तो मेरे को एक दिन का जो है वो मेरे को देखना पड़ेगा तो अगर हम यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा अगर हम चेक करते हैं अप्रैल के स्टार्ट से या यू नो अप्रैल के स्टार्ट से अगर हम चेक करते हैं 25 मार्च से हम स्टार्ट करते हैं फॉर एग्जांपल ये जो लो है यहाँ से अगर हम चेक करते हैं सो so यहाँ पे इसका प्राइसिंग कितना चल रहा है एक अभी ये रिसेंटली आया था 157 पे और यहाँ पे कुछ डिविडेंड कुछ डिक्लेयर हुआ था नहीं डिक्लेयर नहीं हुआ था बट अभी जो है ये अप ट्रेंड में जा रहा है अभी भी अप ट्रेंड में है जैसे आप देख पा रहे हैं लो हायर हाइज़ एंड हायर लोज हायर हाइज़ हायर लो तो ये आपका जो है अप ट्रेंड के ऊपर जा रहा है अप ट्रेंड में जा रहा है सो दैट इज़ फाइन आधे से ही हम लोग को चेक करना पड़ेगा uh... आई से देखने से हमें पता चलेगा कि मतलब हाउ द स्टॉक इज वेदर इट इज़ ओवर बॉड और अंडर बॉड सो अगर हम इसको फाइबर नाइकी अगर हम करके देखते हैं सो so, मोटा मोटी हमें देखने से पता चलेगा सो so, यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि हमारा जो नेक्स्ट जो लो अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट इज़ वन फोर्टी टू इज़ द न्यू लो यहाँ से हमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वन फोर्टी टू तक ये नीचे आना चाहिए फिर उसके बाद ये बाउंस बैक करेगा बट अगर हम इसको चेक करते हैं इसका लो जो अभी चल रहा है दैट इज अराउंड वन फिफ्टी टू या वन फिफ्टी के नियर अबाउट आपका ओवर बॉट है सो so इस जगह पे जाके इसको सपोर्ट मिल रहा है अभी कितना दिन अभी फिर से ऊपर जा रहा है फिर से कब नीचे आएगा पता नहीं सो so, अगर हम लॉन्ग टर्म के बारे में अगर देखते हैं लॉन्ग टर्म में भी अगर हम चेक करते हैं तो ये फिर भी ट्रेंड हमको दिखा रहा है अगर हम देखते हैं इस साल का इवेंट अगर हम देखते हैं दो तो से अगर हम इसको चेक करते हैं यहाँ पे डिविडेंड इसने कितना दिया था डिविडेंड uh, uh, इसने दिया था अर्निंग इसका जो है गिरा है थोड़ा सा अर्निंग गिरा है अर्निंग यहाँ पे बड़ा है डिविडेंड इसने दिया हुआ सो so, अर्निंग कितना यहाँ पे बड़ा हुआ so, 4%, बड़ा है सो चार परसेंट इक्कीस परसेंट आपका अर्निंग बढ़ा विच इज वेरी गुड फॉर द क्वार्टर सो अभी जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो है अपट्रेंड में ही है अभी भी uh, ये आपका अपट्रेंड था ये जो एरिया है ये जो एरिया आप देख पा रहे हैं ये अपट्रेंड में था फिर ये फिर डाउन ट्रेंड में गया फिर ये आस्ते आस्ते अप ट्रेंड में आया फिर फिर से डाउन ट्रेंड में गया ठीक है फिर अभी जो है ये अभी ऊपर की तरफ ही जा रहा है यानी अप ट्रेंड पे ही फॉलो कर रहा है ठीक है सो so, यहाँ पे हर बहुत अच्छा से ट्रेडिंग हो रहा है आप जैसे देख पा रहे हैं आपका जो अप्स एंड डाउन साइकिल वो चल रहा है दैट इज परफेक्टली फाइन सो दैट्स नॉट अ बिग कंसर्न राइट नाउ सो so, ये तो हो गया टेक्निकल एनालिसिस मोटा मोटी आपको समझ में आ रहा है कि ये अभी जो है इट लुक्स लाइक इन ओवर ब्रॉड जोन तो ये हो गया मोटा मोटी एक टेक्निकल एनालिसिस तो अभी हम लोग जाके इसका देखते हैं बी एस सी के वेबसाइट में जो इसका फाइनेंशियल्स हैं उसको डिटेल्स में हम देखने से पता चलेगा सो so, दस साल में इसने आठ परसेंट ग्रोथ दिया है एक मतलब जनवरी से इसने बाईस परसेंट ग्रोथ दिया है एक हफ्ते में सात नियर अबाउट सिक्स पॉइंट थ्री परसेंट ग्रोथ दिया है सो विच इज रिस एक साल में इसने फोर्टी फाइव परसेंट ग्रोथ दिया है अभी क्लोज टू फिफ्टी टू वीक हाई जैसे आप देख ही रहेंगे की already 52 week, uh, high के उधर ही घूम रहा है target है मतलब अभी करके 170 में छोड़ देना तो आप जैसे देख पा रहे थे यहां पे हमारे जो चार्ट था अगर 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 हम में अगर हम इसको इसको उसमें करते करते हैं हैं में तो इसका जो लो है एक सेकेंड में लो को अगर पकड़ के चलता हूँ यहाँ पे जो सपोर्ट हमें मिलने वाला है वन थर्टी में न्यूएस्ट लो होगा सो अगर हम लो पकड़ के चलते हैं कि आ, इसके नीचे आना उतना मतलब डिफिकल्ट लग रहा है क्योंकि ऑलरेडी इस जगह पे आपका सपोर्ट इसको मिल रहा है मोटा मोटी इसको इस इस जगह पे इस प्राइसिंग में अराउंड वन ट्वेंटी वन वन हंड्रेड ट्वेंटी वन ट्वेंटी फोर में इसको सपोर्ट मिल रहा है इसके नीचे वो आ नहीं रहा है तो अच्छी बात है ये कब का है बीस uh, सेप्टेम्बर का है सो विच इज़ डिसेंट इनफ तो इसके नीचे नहीं आ रहा तो यहाँ पे एक सपोर्ट मिल रहा है उसको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि उसका रेजिस्टेंस कहाँ पे है बट स्टिल uh, इस डोमेन में मैं परचेज़ नहीं करूंगा मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि इस डोमेन के अंदर परचेज करने के लिए 135 अगर मेरे को शॉर्ट टर्म करना पड़ेगा तो दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग फॉर ठीक है सो ये मंथली चार्ज है सो मतलब मेरे को अगर लॉन्ग टर्म करना होगा सो so मैं देखूंगा कि आर एस आई भी मैं इसको मॉनिटर करूंगा सो आर मॉनिटर करने से मेरे को मोटा मोटी एक पता चलेगा एंड इट इज़ बुलशिश बुलिश ठीक है बुलिश में जब होता है तब खरीदना नहीं है जब बेरिश होता है तब खरीदना है मतलब ऑब्वियसली फंडामेंटल्स को चेक करने के बाद ही आपको परचेस करना है ऐसे नहीं कि आग बंद करके आपने परचेस कर लिया तो आप फिर तो आप तो फंसोगे ना कोई मतलब नहीं है पॉजिटिव्स आर हाई नेगेटिव्स आर लो फ्लैट अच्छा ठीक है सब कोई बोल रहा है सब कोई बोल रहा है कि आपका बुलिश है बुलिश है पर आर एस आई जो है वो बोल रहा है कि बेरिश है तो आर एस आई को अगर हम चेक करते हैं यहाँ पर आर एस आई जैसे आप देख पा रहे हैं कि आर एस आई ऑलरेडी इट इज़ इन दी ओवर बॉड स्टॉक मतलब ओवर ओवरबॉट जोन में अभी ऑलरेडी चल रहा है अभी जब ये नीचे गिर रहा है सो अभी ये नियर अबाउट फोर्टी फाइव है तो अभी आपको अभी इस जगह पे नहीं खरीदना है आपका टारगेट होना चाहिए कि थर्टी के नीचे मतलब इस जोन में जब भी आएगा वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा ये ऑलरेडी ओवरबॉड जोन में है मेरे लिए अभी ये अभी कहाँ पर फिफ्टी में है सो स्टिल इट इज़ नियर अबाउट मतलब ओवर वर्ड जोन में है सो आई एल नॉट बाई इट एन ऑलरेडी हाई पे है सो दिस इज़ नॉट द डोम दिस इज़ नॉट द प्लेस इस जगह पे अवॉइड करना है इसको और इस जगह पे भी अवॉइड करना है कोशिश करना है कि जब इस डोम इस एरिया में आएगा इस एरिया के अंदर आएगा या इस एरिया के अंदर आएगा तब आपको कंसिडर करना चाहिए ठीक है तो अभी चलिए देखते हैं इसका और क्या क्या है क्वालिटी इज़ एवरेज एंड वैल्यूएशन इज़ वेरी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन यहाँ पे बोल रहा है कि अंडर वैलूड है तो 200 हंड्रेड डी एम ए फिफ्टी देखने के बाद मोटा मोटी एक आइडिया आ जाएगा कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है प्राइस एंड अर्निंग फाइनेंशियल ट्रेंड्स आर वेरी गुड एंड पर यहाँ पर तो फाइनेंशियल आर नॉट वेरी गुड एंड इसका चलिए देख लेते हैं हाइएस्ट सेल्स क्वार्टर है आपने बताया तीस हज़ार करोड़ बहुत बढ़िया मतलब ऑलरेडी ये लार्ज ऑफिशियल लार्ज कैप ही है ये एंड एवरी इज़ फाइन ठीक है चलो अभी हम लोग जाते हैं स्क्रीनर पे मार्केट कैप इज वन लाख फोर्टी सेवन थाउजेंड करोड़ डेट इज टू हंड्रेड एंड एट थाउजेंड करोड़ आर ओसी इंडस्ट्री पी 74 माय माई गॉड ठीक है बुक वैल्यू इज़ 134 थर्टी फोर एंड करेंट प्राइस इज़ वन फिफ्टी टू सो लुक्स लाइक अंडर वैल्यूड बिकॉज कंपनी के अनुसार वन थर्टी फोर है सो इट इज़ वन फिफ्टी टू इट्स वेरी गुड बट इट इज़ नियर बाई ये फिफ्टी टू वीक हाई के उधर ही है सो आई एम नॉट गोइंग टू बाई दर एंटरप्राइज वैल्यू इज़ थ्री लैक फोर्टी फाइव थाउजेंड फाइव ईयर्स में रिटर्न वन पॉइंट सिक्स परसेंट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सिक्सटीन थाउजेंड करोड़ एक साल में इतना अर्निंग पर शेयर मतलब गजब ही है गवर्नमेंट का है तो फिर भी बहुत गजब ही है गजब गजब अभी चलिए देखते हैं कि चार्ट को देखते हैं फिफ्टी डीएमए टू हंड्रेड डी एम ए वे 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 नहीं नहीं क्या आपको क्या लगता है चार्ट देख के आपको क्या पता चल रहा है मेरा अगर वीडियोस देखते तो आपको पता चल गया होगा भयानक हैवी ट्रेडिंग हो रही है और ये बहुत ही ओवर वैल्यूड है चार्ट के हिसाब से बहुत ही ओवर वैल्यूड है और यहाँ पर भी ये चार्ट देख के भी आपको पता चल रहा है कि भाई अब भी तो नहीं परचेज़ करना है इंट्रेंसिक वैल्यू इसका कम हो सकता है इंट्रेंसिक वैल्यू इसका कम हो सकता है बट एज पर दी चार्ट एज पर दी प्राइस एज पर दी मूवमेंट करेंटली इसको टच ही नहीं करना है इसको सिर्फ देखना है कि गिरना है इसको अभी ये मार्केट इस पर बुलिश है तो अभी उस पर हाथ नहीं लगाना है इसको बियरि छोड़ने दो गिरने दो तब जाके फेयर वैल्यू मिलेगा उसी में जाके परचेज करना है ये गलती नहीं करना है तो मैं तो यही चीज़ है कि यहाँ पे ऑल बहुत ओवर वैल्यूड है यहाँ पे पंप एंड डंप थोड़ा बहुत हो रहा है मतलब 50 परसेंट स्टॉक जो है वो डिलीवरी हो रही है यहाँ पे देखते हैं कितना वो था पन इस दिन देखिए उनतीस सेप्टेम्बर को भयानक ट्रेडिंग हुआ था और फिर जाके वो पंप हुआ पंप हो जाके उसको डंप कर दिया यहाँ पे देखो इवेंचुअली उसको डंप किया हुआ है यहाँ पे डंप किया हुआ है ठीक है फिर से यहाँ पे आस्ते आस्ते वॉल्यूम बढ़ा है पंप किया हुआ है पंप किया हुआ है फिर से डंप किया हुआ है यहाँ पे पंप करके डंप सो so ये सब चलते रहता है सो दैट्स परफेक्टली फाइन पाँच साल में अगर हम देखें तो लाइक ठीक है कोई नहीं यहाँ पर देखिए आप कितने वॉल्यूम उतना है नहीं यहाँ पर यहाँ पे अप्रैल 2020 के बाद बहुत ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ा है जुलाई के बाद से वॉल्यूम जो है वो स्टेबलाइज मतलब प्री लेवल कोविड लेवल नहीं बट प्री लेवल वो चला गया। को तो गयािटी उसको इमिडिय जुगाड़ करके रखना पड़ेगा कि कभी भी इसके ऊपर कुछ भी केस वेस हो सकता है सो so, ये डेडी करके रखना पड़ेगा बाकी लोगों का देखते हैं क्या चीज़ है अरे बाप रे अदानी ग्रीन ग्रेप बाप रे बाप आठ सौ नौ सौ बाप रे बाप और इसका डेट आप देखो और मार्केट कैप भयानक मतलब क्या क्या है भाई नेट प्रॉफिट पचास करोड़ है और मार्केट कैप तीन लाख साठ हजार करोड़ मतलब क्या क्या स्टॉक भाई बिकता है यार विच इज लाइक अमेजिंग लाइक मैं तो इस सब में कुछ हुई नहीं फ्री कैश फ्लो गया पांच साल का माइनस बारह हजार करोड़ ये सब मैं तो भाई देखने वाला नहीं हूँ और यहाँ पे चलिए सेल्स देखते हैं सेल्स को समझने की कोशिश करते हैं सेल्स जो है इट हैज बिन यू नो क्वाइट डीसेंट एंड ये स्लोली मतलब ग्रो हुआ है विच इज़ वेरी नाइस थर्टी थ्री थाउजेंड करोड़ आपका जो है आ, इस क्वार्टर का आया था विच इज़ वेरी गुड आपका सेल्स जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज हैज गॉन टू फाइव डिजिट वेरी नाइस मतलब Uh, 2019 में नेगेटिव था वहाँ से इसने जंप करके फाइव uh, डिजिट में पहुँच गया ऑपरेटिंग मार्जिन हैज़ आल्सो ऑल्सो अ लिटिल बिट वेरी नाइस अदर इनकम हैज आल्सो रिड्यूस व्हिच इज़ वेरी वेरी गुड राइट बहुत अच्छी बात है इंटरेस्ट जो है वो भी इसका बड़ा है क्योंकि लोन इसका जो है दो मतलब दो लाख करोड़ का है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज दिस सो नेट प्रॉफिट इज फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड करोड़ विच इज़ रियली गुड मतलब सबसे हाइएस्ट है uh, 2019 के बाद विच इज़ नाइस अगर हम प्रॉफिट एंड अभी हम लोग देखेंगे थोड़ा सा बैलेंस शीट देखने की कोशिश करते हैं कंसॉलीडेटेड uh, अभी चलिए कंसॉलीडेटेड देख लेते हैं कंसॉलीडेटेड में अगर हम देखते हैं कैश रिजर्वस भी बड़ा है बोरोइंगस भी इसका जो है 2019 से इसने बढ़ाया बट यहाँ पे वो लोग प्लान प्लान लगा रहे हैं तो उसमें तो बहुत आपको हैवी वो लेना ही पड़ेगा लोन लेना पड़ता है क्योंकि आप पावर प्लांट तैयार कर रहे हो तो बहुत एक्सपेंसिव होता है बट वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप रिकवर कर भी लोगे क्योंकि यहाँ पे ये जो कंपनी है अपना जो पावर जनरेशन का जो कैपेसिटी है वो डबल कर रही है मोर देन डबल कर रही है तो विच इज़ वेरी गुड ठीक है का, आप देखिए कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आपका पहले था पचहत्तर करोड़ अस्सी हजार करोड़ और अभी नियर अबाउट एक मतलब नाइन्टी फाइव मतलब एक लाख अठारह हजार करोड़ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस था तो अभी आस्ते आस्ते वो डिक्रीज की तरफ जा रहा है विच इज रियली रियली नाइस कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मतलब उससे वो पैसा नहीं आ रहा है तो ये घट रहा है मतलब वो प्लान जो है जहाँ पे भी इन लोगों ने इन्वेस्ट किया है वो ऑपरेशनल होना शुरू हो चुका है मतलब होने हो रहा है सोलियन ग्रेजुल इट इज मेकिंग दैम मनी विच इज़ वेरी नाइस सो uh, so, यहाँ पे नेट कैश फ्लो इज़ हाउ मच एक तीन सौ साठ करोड़ तो यहाँ पे ऐसे देख पा रहे हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव सो so, यहाँ पे 2018-19, 2020 में भी इसने पैसा कमाया 2021 में भी इसने पैसा कमाया विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग इन्वेस्टिंग कैपेसिटी जैसे आप देख पा रहे हैं कि ऑलरेडी दे आर स्पेंडिंग अव्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन यू नो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इज वेरी हाई आर अगर हम देखते हैं तो आर इज़ नॉट दैट गुड एंड कैश कन्वर्जन साइकिल हैज़ लाइक रिलेटिवली ठीक है कोई इशू नहीं है इन्वेंटरी डेज यहाँ पर इन्वेंटरी डेज क्योंकि मैटर नहीं करता क्योंकि बिजली बना के आप दे, तुरंत देते हो आप तो रो उसको स्टोर यू कैन नॉट स्टोर इलेक्ट्रिसिटी मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे आप इंस्टेंट डिलीवरी करते हो तो इसलिए इन्वेंटरी डेज ये सब डेज uh, पेबल कुछ नहीं होता है बट कन्वर्जन साइकिल ये होता है कि आज मैंने पैसा लगाया अट्ठावन दिन के बाद मेरा पैसा जो है वापस आएगा मेरे पास प्रोमोटर होल्डिंग अगर हम देखते हैं तो प्रमोटर होल्डिंग हैज़ गॉन डाउन फ्राम मार्च विच इज़ नेगेटिव गवर्नमेंट ने आ, पता नहीं गवर्नमेंट का ये प्रमोटर तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही है तो गवर्नमेंट मोस्ट प्राइवली ये कब मतलब जो सीज कर देने वाला वैसा टाइप का आपका स्टॉक होगा पब्लिक ने ठीक है एफआईआई ने इसको डंप किया है नहीं एफआईआई ने इसको रैंप अप किया है इसको परचेज़ किया है और भी ज़्यादा परचेज किया है डी uh, आई ने इसको डंप किया है नहीं डी आई ने थोड़ा सा इसको डंप किया सो मोरऑलैस स्टॉक होल्डिंग इज द सेम कोई इशू कुछ नहीं है रेटिंग अगर हम चेक करते हैं रेटिंग आपका यहाँ पे पूरा डिटेल्स आप देखोगे आपको पता चलेगा रेटिंग इज़ वेरी वेरी लाइक ट्रिपल ए लाइक वेरी वेरी स्टेबल क्योंकि गवर्नमेंट है गवर्नमेंट है गवर्नमेंट जो है इट इज़ लाएबल टू पे बैक दी मनी सो दैट इज वाई यहाँ पे इट्स वेरी यहाँ पे इतने सारे इसने लोन लेके रखे हुए हैं आप जैसे देख पा रहे हैं ये सारे जो है वो लोन लेके रखे हुए हैं एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स मतलब लोन ही है बेसिकली आप बॉन्ड दे के आप लोन उठाते हो इट्स द सेम सो टोटल बॉन्ड बैंक लोन इज एक लाख बारह हज़ार करोड़ सो इट्स वेरी स्टेबल शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म रेटिंग मतलब डिफॉल्ट नहीं करेगी मैं बोलने का मतलब ये है कि डिफॉल्ट नहीं करेगी गायब नहीं हो जाएगी एंड विच इज़ वेरी ऑब्वियस एन टी एन टी पी सी गायब नहीं होगी बट यहाँ पे मेन जो आप चीज देख रहे हो कि कैपिटल अप्रिसिएशन इज वेरी लो मतलब चांसेस ऑफ हैविंग कैपिटल अप्रिसिएशन लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली इट इज़ देयर बिकॉज दे आर गोइंग टू इंक्रीज देयर पावर कैपेसिटी मतलब कैपेसिटी और इंडिया एज एज अ होल इट इज ग्रोइंग उसका कंजम्पन भी बहुत बढ़ रहा है एंड बिकॉज ऑफ कोविड एंड ऑल आपका पर्सनल कंजम्पन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज गोइंग टू बी मच हाईर मच मच हाईर सो लॉन्ग टर्म अगर मैं दस साल का अगर मैं देखता हूं तो दिस इज गोइंग टू गिव यू गुड रिटर्न इफ़ नॉट अ मल्टी बैगर इट गिव यू एटलीस्ट मतलब अच्छा रिटर्न मतलब डबल डिजिट रिटर्न देना चाहिए एंड ऑलरेडी uh, ये डेट जो है हमें ये देखना पड़ेगा कि कैसे ये दो तीन या एक मतलब एक साल के अंदर दो साल के अंदर कैसे ये जो सी डब्ल्यू आई पी है मतलब तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है उसको कैसे वो रिड्यूस कर रही है कैसे जो भी दो हज़ार आई थिंक यहाँ पे उसने दिया हुआ था कब तक ये वो करने वाली है 2020 में अभी इसका 20,500 मेगावाट का जो है पावर प्रोजेक्ट शुरू मतलब चल रहा है ठीक अभी हमें यह देखना पड़ेगा कितने दिन में वो कंप्लीट करेगी जैसे आप देख रहे हो कि 2032 तक अगर आ, डबल कैपेसिटी अगर अपना कर ले रही है ये म, मतलब ये होता है कि इसका इनकम भी जो है वो भी बढ़ेगा मतलब डबल से ज़्यादा बढ़ेगा तो ये हमें देखना पड़ेगा डबल से ज़्यादा बढ़ेगा तो आपका ई uh, भी बढ़ेगा ई बढ़ेगा तो इसका ऑब्वियसली uh, जो डिविडेंड है वो भी बढ़ेगा और इसका आपका डेट भी कम होगा सो ऑब्वियसली एवरीथिंग इज़ लुकिंग पॉजिटिव फॉर दिस कंपनी सो ये मेरे को इंटरेस्टिंग लग रहा है सो वल डू मोर टेक्निकल एनालिसिस आई ट्राई टू रीड आउट इसके जो एनुअल रिपोर्ट्स है वेद ऑब्वियसली लुक्स वर्थ इन्वेस्टिंग क्योंकि अभी जो है लो में uh, मतलब टुडे इट वाज अ बिग लूजर बट राइट नाउ इट इज़ नियरली ट्रेडिंग एट इट्स फिफ्टी टू वीक हाई विच इज़ मतलब ऑल टाइम हाई विच इज़ रियली रियली नाइस सो लास्ट मैंने देखा था इट वॉज इन थ्री डिजिट्स सॉरी टू डिजिट्स मतलब सौ के नीचे ही था अब अभी सौ के ऊपर ही है तो अभी हमें देखना पड़ेगा विच इज़ फाइन सो माई फीडबैक ऑन दिस इज़ लाइक आई वुड भी इंटरेस्टेड इन यू नो रीडिंग मोर अबाउट दिस स्टॉक एंड आप भी इसको कंसिडर कर सकते हैं आप इसका जो एनुअल रिपोर्ट ये सब चेक कर सकते हैं कंप्यूटर को चेक कर सकते हैं मैं प्राइवेट प्लेयर्स के बारे में आई एम नॉट रियली कंसर्न अडानी ये सब मैं नहीं करने वाला बिकॉज जैसे आप देख पा रहे हो बाहर से आपको देख के लगता है कि भाई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है आई एम नॉट गोइंग टू रीड अबाउट इट बट दीज आर दी कंपनीज विच आर वेरी स्टेबल गवर्नमेंट बैक्ट है बॉन्ड जो है बॉन्ड डिफॉल्ट uh, नहीं करने वाली है लोन डिफॉल्ट नहीं करने वाली है सो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव फॉर दिस कंपनी सो दिस वॉज माई फीडबैक आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल थैंक यू एंड लंबा वीडियो हो गया फास्ट करके चलाओ थैंक यू